खुशामदीद, स्वागत एंड वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज का ये एपिसोड विशेष इसलिए है कि मैं दिल्ली के 92.7 बिग एफएम के स्टूडियो से आप सबसे मुखातिब हूँ और आप जो लाखों बहन भाई मुझे रेडियो पर सुन रहे हैं, यहाँ स्टूडियो में भी मेरी ऑडियंस मौजूद है। आप सब ऑडियंस का स्वागत करता हूँ। आर यू रेडी? ओके। आज 1955 से 1985 तक का हिंदी सिनेमा को अगर हम गोल्डन पीरियड अगर कह सकें, सुनहरा दौर कह सकें, उससे जुड़े हुए गाने और उससे जुड़ी हुई कहानियों को लेकर हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था। हर बार कोई ना कोई नया साल लाते हैं, कोई इंडिविजुअल के ऊपर किसी की डेथ एनिवर्सरी होती, किसी की बर्थ एनिवर्सरी होती, किसी को याद करने का मौका होता है, तो हमारा प्रोग्राम चलता है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज हमने जो साल चुना है वो है 1957। इस साल से डायरेक्टली आपका कोई रिश्ता नहीं हो सकता है क्योंकि आप जो सब लोग बैठे हुए दूर दूर तक 1957 की औलाद नहीं लगते। 1957 में मैं एक साल का हो गया था। 1957 वो सुनहरा साल था जब नरगिस बनी थी मदर इंडिया, ये नाम तो आपने सुना होगा। 1957 ही वो साल था जब गुरुदत्त की कल्ट फिल्म आई प्यासा प्यासा। 1957 में ही दिलीप कुमार की नया दौर आई थी और 1957 ही वो साल था जहां से शम्मी कपूर का राइज शुरू हुआ। तो इस सुनहरे साल के सुनहरे सफर में निकलते हैं उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। हम बात करेंगे 1957 की उस फिल्म की जो 1957 की नहीं बल्कि पूरे डेकेड की, पूरे दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। उस जमाने में इस फिल्म ने 4 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। 5 फिल्मफेयर अवार्ड्स के साथ साथ इस फिल्म का नॉमिनेशन हुआ था बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड्स के लिए। मदर इंडिया। देखिए, कहीं ना कहीं भारत माता को बोलते हैं। दुनिया के ज्यादातर मुल्क अपने देश को, अपनी मिट्टी को मदरलैंड के नाम से जानते हैं, लेकिन जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जो अपने देश को फादरलैंड बोलता है, पितृभूमि बोलता है, लेकिन हम लोग सब हिंदुस्तान हो या बहुत दुनिया के काफ़ी बड़े बड़े देश, काफ़ी देश अपने देश की धरती को मदरलैंड बोलते, तो हमारी मदर इंडिया है। मदर इंडिया को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था महबूब खान ने और फिल्म की कहानी भी महबूब खान साहब ने लिखी थी। इस फिल्म की शूटिंग सूरत में हुई थी, कुछ शूटिंग नासिक और कोल्हापुर के आसपास के इलाकों में हुई थी, जहां करीब 200 से ज़्यादा किसानों ने और बेशुमार बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। इस गीत को गाने से पहले शमशाद बेगम फिल्मों में गाना छोड़ चुकी थी, मगर महबूब खान ने अपनी फिल्म में शमशाद बेगम को गाना गवाने की ठान रखी थी, लेकिन शमशाद बेगम जी ने लगभग 1 साल से फिल्मों में गाना बंद कर दिया था क्योंकि उनके शौहर का इंतकाल हो गया था और शौहर की मौत से इतनी गमजदा थी कि उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। इतने मातम में थी, इतने शोक में थी और ये भी ठान लिया था कि वो अब कभी गाना नहीं गाएंगी। महबूब खान साहब ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें तुम्हें गाना गाना है। इमीजिएटली शमशाद जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैंने गाना छोड़ दिया है। महबूब साहब ने कहा गाना तो मैं तुम्ही से गवाना चाहता हूँ, गाना तुम्हें ही गाना होगा, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हें घर से उठाकर क्यों न लाना पड़े। अरे वाह। हाँ जी। और फिर उन्होंने कहा कि मदर इंडिया जो किरदार है वो तुम्हारी जिंदगी से मेल खाता है, मेरी हीरोइन मदर इंडिया भी अपने पति के बिना इस दुनिया में जूझ रही है संघर्षों से अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप पर जिम्मेदारी आ गई है परिवार चलाने की, बच्चों की, और जिस हिम्मत से इस वक्त आप मुसीबतों का, कष्टों का, दुखों का सामना कर रही हैं, उसी हिम्मत से मेरी फिल्म की हीरोइन भी मुसीबतों का सामना करती है, इसलिए इस फिल्म के लिए तो आपको गाना ही पड़ेगा। इस तरह के तर्क, मिन्नतों और समझाने के बाद शमशाद जी मान गई। तर्क था ना। और इस तरह पूरे 1 साल बाद उन्होंने इस फिल्म में गाना गाया और ये गाना सुपर डुपर हिट गाना था, वो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रहे। फिल्म का म्यूजिक किया था नौशाद साहब ने। कहते ना कि कोई भी कृति जब साहित्य बनती है, जब उसमें यूनिवर्सल अप्रोच होती है, इस फिल्म के गीतों में भी वही बात है।
दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मैंने एक अंग्रेजी राइटर की बहुत खूबसूरत बात सुनी थी, यू हैव कम टू अ वेरी हार्ड प्लेस एंड विच इज दिस वर्ल्ड, जहां तुम आए हो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल जगह है। एक बार यहां आने के बाद शांति सिर्फ तुम्हें चिता पे मिलेगी। ऐसा कोई बंदा नहीं है बॉस जिसको दुख नहीं हो, ध्यान रखना आप। इस फिल्म का एक गाना मुझे बहुत पसंद है, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू मैं सवरिया। आपने देखा कितनी सिंप्लिसिटी के साथ, कितनी सिंप्लिसिटी के साथ जीवन की कितनी बड़ी गहराई कह दी गई है। और यकीन मानिएगा कि इस तरह का समर्पण अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए सिर्फ भारत की नारी में होता है। सारी दुनिया देख डाली यार। एक बार क्या होता है, एक प्रोग्राम में मिस यूनिवर्स वगैरह आ गई थी, तो मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा कि आप, बहुत हंगामा हो गया है तो आप कुछ बोलिए। तो वो अपने अपने फादर के साथ आई थी, प्रियंका चोपड़ा भी आई थी और युक्ता मुखी भी थी। तो मैंने अपने दिल के जज्बात बोले, बिल्कुल जो मेरी सच्ची भावनाएं थी मैंने बोला। मैंने कहा कि इन बच्चियों ने अपने ना सिर्फ माँ बाप का नाम रोशन किया है, अपनी कंट्री का नाम रोशन किया, भारत माता का नाम रोशन किया है, और ये आने वाले भविष्य की, आज की पुत्रियां हैं, आज की बेटी जो है फ्यूचर की तो माँ है ना, और माँ केवल पूजनीय होती है। तो मैंने इन सब के पैर छुए थे। एक बार क्या हुआ, मेरी वाइफ वॉज फीडिंग माई सन, सो मुझे बड़ा प्यार आ गया, तो मैं इतना भावुक हो गया कि मैंने उसके पैर छुए। सो शी कुड नॉट टेक इट, ओके व्हाट यू आर डूइंग, आई सेड आई एम नॉट टचिंग योर फीट। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारे पैर नहीं छू रहा, मैं किसी की माँ के पैर छू रहा हूँ। तो हर बच्ची जो आज की है उसके अंदर एक माँ छुपी हुई है, और हमारी संस्कृति ने तो नारी को तो देवी बना के पूजा है। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू मैं सवारिया मदर इंडिया कल्ट फिल्म थी, और यहीं से सुनील दत्त और की जिंदगी में ये नरगिस आई थी। किस तरह से आप सबको बहुत अच्छी तरह, नरगिस आग में घिर गई थी और उन्होंने बचाया था, उसके बाद सेवा शुश्रूषा हुई और प्रेम का अंकुरित हुआ। और सुनील दत्त जैसे आदमी ने सारी जिंदगी भर जो मान सम्मान और आदर अपनी पत्नी को दिया, वो मिसाल है पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। आज तक पब्लिक में कभी नाम लेके नहीं बुलाया दत्त साहब ने, हमेशा श्रीमती दत्त बोलते थे, मिसेस दत्त आप ये कर लीजिए। तो सलाम करते हैं नरगिस को और सलाम करते हैं नरगिस के पति को, नरगिस के पिया को सुनील दत्त। ऐसा क्या हुआ कि मधुबाला से प्यार करने वाले दिलीप कुमार को मधुबाला के खिलाफ ही कोर्ट में देनी पड़ी गवाही, सुनाऊंगा आपको। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।